जी टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो कुमकुम भाग्य पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। इस शो में बहुत ही जल्द एक बिल्कुल नया एंट्री होने वाला है, तो इस शो में कौन एंट्री करने वाले हैं, उनका किरदार इस शो में क्या होने वाला है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी टीवी के कुमकुम भाग्य को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो में अभी हमें थर्ड जेनरेशन की कहानी देखने को मिल रही है। इसके फर्स्ट सीजन में हमें अभी और प्रज्ञा की कहानी देखने को मिला था, जिस पर हमें साबिर आलूबालिया और श्रीति झा नजर आए थे। इसके दूसरे सीजन में हमें देखने को मिले थे कृष्णा कॉल एंड मुग्धा, जो इस शो में हमें नजर आई थी प्राची और रणबीर के रोल में। इसके तीसरे सीजन में हमें देखने को मिल रही है राजवंश और पूर्वी की कहानी। इस बार इस सीजन में हमें अब्रर काजी और राशि शर्मा मेन लीड्स के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। इसके थर्ड सीजन में हमें फिर से रणबीर और प्राची भी देखने को मिल रही है, जो फैंस को काफी ज्यादा वो पसंद आ रहे हैं। अभी खबर ये निकल कर रही है इस शो में बहुत ही जल्द एंट्री करने वाले हैं सौर्य सेठ इज ऑल सेट टू एंटर इन जी टीवीज पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य। खबर ये निकल कर रही है इस शो में वो हमें दिया के हस्बैंड के रोल में देखने को मिलेंगे, जो पहले पॉजिटिव होने वाले हैं लेकिन बाद में उनका जो किरदार है वो निगेटिव होने वाला है। एक्टर सौर्य सेठ हैज बीन रोप्ड इन फॉर द शो। सौर्य विल बी प्ले द पार्ट ऑफ दियाज हस्बैंड हु विल अपीयर टू बी पॉजिटिव एंड गुड, ही विल लेटर ट्रांजिशन इन टू अ निगेटिव रोल। तो इस शो में वो हमें ग्रेसेडेड कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कुमकुम भाग्य की कहानी को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साल 2024 की 13 की BERC की TRP काफी ज्यादा शॉकिंग रहा था, क्योंकि टेलीविजन के सभी शोज की TRP काफी ज्यादा लो निकल कर आया था। लास्ट वीक कुमकुम भाग्य का TRP निकल कर आया था 1.3 और ये शो ZTV पर नंबर 1 के पोजीशन पर था। लास्ट वीक ZTV पर कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी सभी शोज की TRP 1.3 ही निकल कर आया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स आगे थे कुमकुम भाग्य, इसलिए वो नंबर 1 के पोजीशन पर था। तो क्या आप देखते हैं कुमकुम भाग्य, आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।